प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके देश की जनता से अपील की थी कि 5 अप्रैल आज रात के 9:09 तक अपने घरों की लाइट बंद करके बालकनी या दरवाजे पर दिया या कैंडल जलाएंगे। मोदी जी का कहना था कि इससे देश में एकजुटता की भावना प्रबल होगी। देश के 130 करोड़ लोगों ने रात 9:09 तक के लिए दीप प्रज्वलित किए। इसके साथ ही जहां एक तरफ शंखनाद की आवाज़ सुनाई दी, वहीं दूसरी ओर अजान भी सुनने को मिली। हिमांशु श्रीवास्तव ने जनता के बीच जा करके बातचीत करी तो वहीं विनय सिंह ने बताया कि मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अपने देश में मैसेज पहुंचाने का उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, उसी में पूरा देश समर्थन भी कर रहा है और उनकी बातों का आदेशों का पालन भी किया जा रहा है। और वहीं अपने देश के भविष्य बच्चों ने एक भारत का नक्शा बनाकर दीप जलाकर और लोगों तक संदेश पहुंचाया कि पूरा भारत अपने साथ है और आप भी इसका समर्थन करें। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज कानपुर के बर्राचार इलाके में खड़े, जैसा कि आज देखने को मिला, जरा जरा से बच्चों ने कोरोना वायरस से जो दीप प्रज्वलित का आज समय दिया गया था, शाम निर्धारित 9 बजे दिया गया था, वहीं पर आज जरा जरा से बच्चों ने, आप देख सकते किस तरह से भारत का नक्शा बनाया गया है और जो यहाँ के लोग हैं एक जागरूकता का कार्य कर रहे हैं और जनता भी इस पर बहुत सहयोग कर रही है। आइए, हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछते हैं कि ये जनता के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विनय सिंह। आज क्या संदेश दे रहे हैं जनता के बीच और जो ऐलान किया था कोरोना वायरस को लेकर के रात 9 बजे आप दीप प्रज्वलित करेंगे, आज कितने लोगों ने इसका समर्थन किया? आज पूरे भारत की जनता इस देश के गौरवमयी, इस देश के लिए निरंतर चिंतनशील, इस देश की गौरव को बढ़ाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी की अपील पर आज पूरा भारत देश उनके समर्थन पर खड़ा हुआ है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से इस मोहल्ले में मैं आज इस बर्राचार के इस मोहल्ले, इस गली में मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक घर पूरे उत्साह के साथ, हर घर ने कम से कम 9-9 दीपक हर प्रत्येक घर ने अपने जलाए हुए हैं और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी की उस अपील पर, प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। और उनका मानना है कि इस तरह से इस जो दिव्य प्रकाश फैलेगा, इतने 130 करोड़ जनता भारत की जब दीपक जलाएगी और जो दिव्य प्रकाश फैलेगा वो कोरोना रूपी अंधकार को निश्चित रूप से दूर भगाएगा, इस विश्वास के साथ आज पूरी भारत की जनता हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हुई है। आपको बताते चले, जैसा कि यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है और जैसा कि देख रहे हैं आप, कि पूरे शहर में आप देख सकते हैं किस तरह से दीप जल रहे हैं और जनता भी इसका समर्थन कर रही है। कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज़।